हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीरियल ससुराल सिमर का 2 की कहानी में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। जी हाँ, ये पूरा जो मोमेंट चल रहा है ये सपने जैसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब गीतांजलि देवी यानी कि बड़ी माँ और सिमर का रिश्ता हुआ है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। अब गीतांजलि देवी सिमर को इतना ज़्यादा प्यार कर रही हैं, इतना ज़्यादा उस पर प्यार बरसाती और लुटाती नजर आ रही हैं कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गई हैं, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था ये वही गीतांजलि देवी है जो हमेशा ही सिमर को लताड़ लगाती रहती थी, सिमर में कमियां निकालती रहती थी, सिमर को घर से निकालना चाहती थी, उसके ससुराल से अलग करना चाहती थी। लेकिन अब गीतांजलि देवी को सब समझ आ गया है कि सिमर बिल्कुल सही है और सिर्फ गलत जो थी वो उनकी मानसिकता थी। उन्होंने अब अपनी दिमाग और अपने सोच को बदल दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है सिमर के रवैये से। सिमर को वो अब उसका हक, उसका अधिकार और उसका अपना ससुराल सिमर का देना चाहती हैं और इस बात का यकीन उन्होंने पूरे घर वालों के सामने दिलवा दिया है सिमर को। दरअसल पूरा उसवाल परिवार नारायण हाउस जाएगा, जहाँ पर गीतांजलि देवी सिमर के मम्मी पापा से हाथ जोड़कर सिमर और आरफ के रिश्ते की बात करेगी और कहेगी कि हम एक बार फिर से इन दोनों की पूरी मान्यताओं और रीति रिवाजों के साथ शादी करवाना चाहते हैं, मुझे आपकी इसमें सहमति चाहिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई ही सिमर और आरफ के रिश्ते को चाहता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब यहाँ पर तब आएगा जब सबके सामने गीतांजलि देवी सिमर को विश्वास दिलाएंगी कि वो अब जल्द ही उनकी होने वाली है, पूरा ससुराल उसी का होगा, ससुराल सिमर का। जी हाँ, इसलिए अब बड़ी माँ ने घर वालों के सामने सिमर को दे दिया है खानदानी हार। दिया ही नहीं है बल्कि गीतांजलि देवी ने अपने हाथों से सिमर के गले में यह हार पहना दिया है और ये साफ कर दिया है कि अब वो उनकी अमानत है। और वो बोलती हैं कि आरफ तुम भी यही चाहते थे ना, और सिमर ने तुमसे यही मांगा था ना कि उसे उसका पूरा परिवार खुशियां चाहिए, तो अब मैंने आज उसे इसका आश्वासन दे दिया है और अब मैं सिमर और तुम्हारी धूमधाम से शादी कराऊंगी सभी मान्यताओं के साथ। हालांकि इसी दौरान सबकी आंखें नम हो जाती हैं, आरफ दूर खड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आता है, संध्या की आंखें नम हो जाती हैं, रीमा बहुत खुश होती है, अदिति भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा होता है। लंबे वक्त से सिमर इसी घड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि पूरा उसवाल परिवार उसे अपना ले और अब फाइनली वो घड़ी आ ही गई है। सिमर भी बहुत ज़्यादा खुश है और गीतांजलि देवी और सिमर के बीच की बॉन्डिंग देखते ही बन रही है, दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ मधुर रिश्ते में आ गई हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, क्या धामी जो अब आई है शो में वो कुछ नया बवाल कर देगी, क्या एक बार फिर से आरफ और सिमर की शादी हो पाएगी, या फिर गीतांजलि देवी के सामने एक बार फिर से धामी कर देगी सिमर की इमेज खराब। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।